जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भजन गायक कन्हैया मित्तल ने थावा कांग्रेस का हाथ कहा, मैंने कभी बीजेपी का गुणगान नहीं किया। हरियाणा में टिकट न मिलने पर कन्हैया मित्तल ने बीजेपी को दे दिया ऐसा धोखा कि झुक गई योगी मोदी की आंखें, खुशी से झूम उठे राहुल गांधी। कन्हैया ने सोशल मीडिया पर कर दिया बड़ा ऐलान, लोगों ने कहा पहले तो किया बहुत गुणगान अब क्या हुआ। कन्हैया ने भी बताई बड़ी वजह, भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। कन्हैया मित्तल वही गायक है जिन्होंने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला गाना गाया था। राम मंदिर को लेकर कन्हैया ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तारीफ की है। अब वही कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका कांग्रेस पार्टी में जाने का मन है, हालांकि बीजेपी से मेरा कोई भी मतभेद या मनभेद नहीं है। अगर कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला क्यों किया, क्या हरियाणा में बीजेपी का टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, इस पूरे मामले में कन्हैया ने क्या सफाई दी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जरूर जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेज में नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आप किस शहर से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर फेसबुक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया, उनसे मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल में सनातन की बात हो, इसलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई भी ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। हालांकि कन्हैया ने खुद इस बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला पंचकुला से इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट अगर चाहिए होता तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ दो। आपको बता दे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने में कन्हैया मित्तल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। पिछले साल कन्हैया मित्तल ने मैं यूपी बोल रहा हूँ वाला गाना गाया था जिसमें योगी सरकार के कामों का गुणगान किया गया। कन्हैया मित्तल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बताया है। कन्हैया ने कहा है, मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं, हाँ ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए, उस भजन में भी कहीं भाजपा का नाम नहीं है, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं, योगी आदित्यनाथ जी वो हमारे गुरु सदैव रहेंगे। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।